वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल योरो ड्रीम्स। आज का जो ये वीडियो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर है, उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स फॉरेन में आकर पढ़ाई करना चाहते हैं। मेरा भी एक बार ड्रीम होता था जब मैं अपने इंडिया में था कि मुझे भी फॉरेन में जाकर पढ़ना है, बट मेरे फादर के पास इतना सफिशिएंट फंड्स नहीं था कि वो मुझे ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा या यूएसए या अमेरिका कहीं भी भेज दें। तो मिडिल क्लास होने के तहत मैं नहीं अफोर्ड कर पाया। फिर एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली इटली के बारे में, मुझे पता चला, मैंने पूरी प्रोसेस करी। इटली के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ आज कि इटली के बारे में बताऊँगा कि इटली में ही क्यों पढ़ने का मैं आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, इटली एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल रोम है और यहाँ पर इटालियन लोग रहते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये पूरा वर्ड आर्ट पे बनाया है, पूरे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करे हैं, इसके मैं रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगा। खैर मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स हो रही होगी, थोड़ा ब्लर सा दिख रहा होगा, बट आपकी हेल्प करना चाहता हूँ इसलिए जस्ट बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर जो है आप स्टडी में ही स्टडी इन इटली के मैं बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है लो ट्यूशन फीस। यहाँ पर ट्यूशन फीस बहुत कम है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जैसे कि अराउंड एस्टिमेट भी मैंने लिख के रखा हुआ उसमें 500 to 2000 यूरोस पर ईयर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत कम है यहाँ पर, 150 to 350 यूरोस शेयरिंग में, और भी कम हो जाता है। 350 तो मैंने मैक्स टू मैक्स बताया है, 150-120 ऐसा रहता है यहाँ पर नॉर्मली रेंट वगैरह। उसके बाद अपना जो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना, सपियंजा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर आती है। उसके बाद जो क्वालिटी यहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है वो क्वालिटी एजुकेशन रहता है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड दोनों पर हमें पढ़ाई सिखाई जाती है। सारे मुझे, जैसे कि मेरा स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट है तो मुझे आर स्टूडियो पे पूरा वर्क करना सिखाया कि कैसे क्या सब होती है चीज़ें, ऑनलाइन सब चीज़ें सिखाई और प्रैक्टिकल नेचर पर सिखाई, ताकि हमें ये चीज़ माइंड में एक बार चली जाए तो घुस जाती है हमेशा के लिए। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप, यहाँ पर अराउंड 10 टाइप्स की स्कॉलरशिप है जिसके ज़रिए आप, और स्कॉलरशिप का मैं अमाउंट बता देता हूँ, जिसके ज़रिए आप पूरा जो एजुकेशन आपका फ्री कर सकते हो। जैसे स्कॉलरशिप 5200 यूरो से लेके 8000 तक आपको मिल सकती है यहाँ पर ईयर में। फिर उसके बाद नो आइल्स, सबसे मेन बेनिफिट। मेरे साथ क्या होता था इंडिया में जब था यार, आइल्स देने की माँ की कसम मेरी इच्छा ही नहीं थी कुछ भी। 12000 लगाओ और कुछ हो नहीं हो, पहले मेरे सपने ऐसे थे ही यूएस, कनाडा वगैरह के, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। लिटरली ये इटली की अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और इसमें मैंने जैसे पता चला कि आइल्स भी नहीं देना, और बाप रे सोने पे सुहागा हो गया, तो फिर मैंने ये इसके लिए ऑप्शन को चूज़ किया। तो नो आइल्स, आइल्स भी नहीं देना पड़ेगी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लगती है। नेक्स्ट पॉइंट ब्लॉक अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता, ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है देखा जाए तो, क्योंकि जर्मनी में आप अगर जाओगे स्टडीज़ के लिए तो वहाँ पर ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। पीआर का बहुत अच्छा सिनेरियो है, आफ्टर 5 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली पीआर मिल जाता है यहाँ पर। गैप एक्सेप्टेड, तो गैप का अब मैं बताता हूँ आपको। मेरा एक फ्रेंड है जिसका 10 ईयर्स का गैप है उसकी स्टडीज़ के बीच में, उसका भी एडमिशन हो गया मेरे साथ, मास्टर्स कर रहा है। गैप एक्सेप्ट होता है यहाँ पर, गैप भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके बाद वीज़ा का सक्सेस रेट लिटरली बहुत अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छा है यहाँ पर। पार्ट टाइम जॉब्स, हाँ आप 20 आवर्स अ वीक पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ऊबर में कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जॉब कर रहे हैं, तो इजी हो जाता है, उनका नॉर्मल एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। फिर शेंगेन वीज़ा, हाँ आपको जो इटली का वीज़ा मिलेगा वो शेंगेन वीज़ा मिलता है, जिससे कि आप पूरी यूरोपियन कंट्रीज, 26 यूरोपियन कंट्रीज में ईजिली जा सकते हैं विदाउट अलग वीज़ा, किसी अलग वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा आपको, सेपरेट कंट्री का सेपरेट वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, उसी वीज़ा के बेस पर आप जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि शेंगेन वीज़ा से, जैसे कि मैं आप चाहूँ तो मैं जस्ट, मुझे फ़्लाइट टिकट बुक करनी है और मैं पेरिस निकल जाऊँ, मैं कहीं भी स्विट्ज़रलैंड कहीं भी जा सकता हूँ। उसके बाद एरास्मस, ये सिर्फ टेक्निकल टर्म है एरास्मस, इसका मतलब ये है, जो लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्हीं को पता होगा इसका मतलब। इसमें क्या रहता है कि आप, जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मुझे किसी दूसरी कंट्री की यूनिवर्सिटी में जाके कुछ करना है, तो ऐसे एक ऑप्शंस आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आती है, उसमें आपको चूज़ करना रहता है, और आपका 1 सेमेस्टर आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर करके वापस आ सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में।
अब मैं क्या बोलूँ यार, इससे अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी होगी अगर आपको फॉरेन में पढ़ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री इतने सारे बेनिफिट्स देगी आपको। तो बस ये चाहता हूँ कि गो फॉर इट, लिटरली जिनके सपने हैं वो तो आ ही जाए, बस यही है। चलता हूँ फिर, दुआ में याद रखना आपका अपना दीपांशु सिंह चौहान।